मेरे उत्तराखंड के जिस पहाड़ी क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहाँ उस जगह में और मेरे गढ़वाल के गांव के लोग गढ़वाली भाषा बोलते हैं। पर्याप्त प्रमाण और आज भी 60 लाख लोगों की दुद्बोली है। कोई भी भाषा सिर्फ शब्द ही नहीं होते, वो उस समाज की अभिव्यक्ति है और उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब भी। अगर भाषा लुप्त होती है तो उस समाज का सारा लोकाचार लुप्त होता है। शायद दुनिया की सर्वोच्च सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में इसी यथार्थ को समझाते हुए दुनिया में लुप्त हो रही 370 भाषाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें गढ़वाली भाषा भी एक है। अगर हम जो शिलालेख देखें, चाहे आपके राजा की जो भाषा होती थी उसके जो दस्तावेज देखें, तो उनमें भी गढ़वाली थी। गढ़वाली भाषा यहाँ हर एक गांव, कस्बे और शहरों में बोली जाती है। शादी ब्याह पर मांगल गीत हो, नाचने गाने के गीत हो या कैसेट वीडियो का बाजार। हमारी गढ़वाली और कुमाऊँ को मार्केट, ऑडियो वीडियो को मार्केट बहुत अच्छा चलनो। और जन की आप जान रहे कि हमारे विदेश में हमारे गढ़वाल लोग रहते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं यो चीज़ें सनी। और हमारे उत्तराखंड में लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं हमारा उत्तराखंडी एल्बम होते हैं, क्योंकि आप भाषा से तो ये वजह से भी काफ़ी यहाँ जो हिंदी और भोजपुरी बॉलीवुड हॉलीवुड से ज़्यादा आज की डेट में हमारी गढ़वाली एल्बमों को ज्यादा महत्व है। सिर्फ राजकाज और पढ़ाई यहाँ हिंदी या अंग्रेजी में होती है, पर संवाद की भाषा गढ़वाली ही है। पुस्तकें और अन्य साहित्य भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में छपते हैं। और साहित्य में हम देखेंगे तो आज हम लोग शब्दकोश, भाषा का शब्दकोश बन रहा है। उसके अलावा नाटक हैं, आपके कथा वृत्तांत हैं, कथाएं हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, सभी तरह की जो विधाएं होती हैं साहित्य की उसमें लिखा जा रहा है। आज कई भाषा विद्वान, जन प्रतिनिधि और साहित्य अकादमी इस चिंता में शामिल हो गए हैं। आशा करते हैं इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।